आयराइटिस यानी मिडिल आई में सूजन एक ऐसी स्थिति है जो यह रेटिना और वाइट मैटर के बीच में सूजन आ जाती है, यह ग्लूकोमा तक कॉज कर सकती है, एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। आज हम बताएंगे साथियों इसी को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आयराइटिस के विषय में। आयराइटिस एक आँख की क्रॉनिक कंडीशन होती है, स्वेलिंग की कंडीशन होती है जो ग्लूकोमा तक कॉज कर सकती है। हम आपको बताएंगे आयराइटिस को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आयराइटिस होती क्या है। आयराइटिस साथियों वह स्थिति होती है जब मरीज के जो मिडिल आई होती है उसके जो रेटिना होती है और वाइट पार्ट होता है उसके बीच की जो उवला लेयर होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसको यूवेसाइटिस भी कहते हैं। यह जो स्थिति होती है यही आयराइटिस की स्थिति होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। आयराइटिस के सिम्टम्स ब्लड विजन होना, शैगी विजन होना, साफ विजन ना होना, हेडेक होना, आईज में पेन होना, यह सारे सिम्टम्स होते हैं जो आयराइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। आयराइटिस के कारण आज तक अननोन है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर का प्रीडिस्पोजिशन इसका एक कॉज माना गया है। समस्या है तो साथियों समाधान है। हम आपको बताते हैं आयराइटिस को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं आयराइटिस को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों आयराइटिस की होम्योपैथी में मेरे हिसाब से जो नंबर एक दवा आती है वह है मर्क कॉर्नुटम। मर्क कॉर्नुटम साथियों उस स्थिति में आयराइटिस के केस में बहुत कारगर है जब मरीज को सीवियर हेडेक हो रहा हो, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो और ब्लड विजन हो गया हो। ऐसी स्थिति में जो हेडेक होता है, आँखों में जो दर्द होता है, आईज में जो पेन होता है, उसको ठीक करने में मर्क और बहुत सहायक होती है, तो इसको आयराइटिस के केस में लिया जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों जब इन्फेक्शन आयराइटिस से उसके आसपास भी आईज के टिश्यूज में फैल गया होता है और पस फॉर्मेशन और एक्युमुलेशन भी शुरू हो जाता है। अगर यह स्थिति होती है तो इस स्थिति को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, और दवा का नाम है हिपरसल्फर। हिपरसल्फर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा पस फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है और आयराइटिस को भी मैनेज करने में मदद करती है। एक स्थिति आती है साथियों जब सुप्रा ऑर्बिटल नर्व में आई के बहुत पेन होता है। अगर यह स्थिति हो साथियों, और यह पीरियोडिक होता है, रुक रुक के होता है, समय के निश्चित समय पे होता है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सेड्रॉन। सेड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देती है और आई पेन को ख़त्म करती है। एक स्थिति आती है साथियों आयराइटिस में कि पलकें सूज जाती हैं और आँखों से पानी बहुत आने लगता है, तो अगर यह स्थिति हो और आयराइटिस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रश टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रश टॉक 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा टीयर्स को कंट्रोल करने में, आंसुओं को, आँख से पानी को कंट्रोल करने में सहायक है, साथ में आयराइटिस को भी कंट्रोल करने में सहायक है। एक स्थिति साथियों आती है कि आँख में चोट लग गई हो, इंजरी हो गई और उसके बाद आयराइटिस हो गई हो, अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्निका मोंटाना। आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आयराइटिस में आती है कि आँख की हड्डी हड्डी में आसपास दर्द हो रहा हो, सिफिलिटिक पेन हो रहा हो, रूमेटिक पेन हो रहा हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो आयराइटिस की तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ओरम मेटालिकम। ओरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी और आयराइटिस को ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी आयराइटिस को कंट्रोल क्योर करने के विषय में। दवाएँ साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा।
मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपकी राय का कि ये आयराइटिस पर यह वीडियो आपको कैसा लगा और समाज के लिए ये क्या स्थान रखता है। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।